Assalamu alaikum, good evening and welcome back to the channel. My dear students, today's discussion topic is risk and return. It is very important topic. आज हम रिस्क एंड रिटर्न को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम रिस्क को डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे आज के लेक्चर के अंदर. फिर हम रिटर्न को डिस्कस करेंगे, फिर इसके रिस्क के टूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा हैं, हाउ टू सॉल्व. फिर हम कैपिटल एसेस प्राइसिंग मॉडल को, तो इसको पार्ट्स के अंदर हम कवर करेंगे. आज हम रिस्क को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली रिस्क होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं. तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो रिस्क क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिस्क हम कहते किसको हैं. रिस्क को आइडेंटिफाई करने से पहले हमें स्टॉक मार्केट का पता होना चाहिए, शेयर्स का पता होना चाहिए, ठीक है. तो जब भी हम किसी कंपनी के अंदर कहीं भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिस्क होता है. किस बात का रिस्क होता है कि यार जो मेरे पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, वो डूब ना जाए, डिफॉल्ट ना हो जाए, उस चीज़ को हम रिस्क कहते हैं. फिर उसकी मेजरमेंट भी हम करते हैं कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, कितना रिस्क है सिक्योरिटी के अंदर उस चीज़ को. मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाता हूँ. आपके पास 1,00,000 रुपये है, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप इन्वेस्ट करते हो, आपको ऐसा लगता है कंपनी आपको कहती है कि मैं आपको उस पर 10,000 रुपये रिटर्न दूंगा, ठीक है. तो वो क्या करता है कि आपने उसमें पैसा लगा दिया. अब हो सकता है कि वो कंपनी जो है वो डिफॉल्ट कर जाए, ख़त्म हो जाए, आपको धोखा दे जाए, फ्रॉड कर जाए आपके साथ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी क्या हुई, खत्म हो गई, ठीक है. तो उस चीज़ को लेना, उस रिटर्न को हासिल करने के लिए जो आपने रिस्क लिया उस पर कि यार इस पर मुझे मेरे पैसे ज़्यादा होकर मिलेंगे, उस चीज़ को हम बेसिकली रिस्क बोलेंगे, ठीक है. तो अब इसको हम फॉर्मली पढ़ते हैं कि रिस्क होता क्या है. तो रिस्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न. जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है और जो एक्चुअल रिटर्न आते हैं उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा रिस्क है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपको इसकी और एक डेफिनेशन बताऊं तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, जो आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम आई है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,00,000 रुपीज हैं जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है. अब आपने इसको इन्वेस्ट करना है, एक कंपनी कहती है कि मैं आपको 1 साल के बाद इस पर जो है वो 4,00,000 रिटर्न दूंगी, ठीक है. अब आपको भी लगा कि यार मुझे 4,00,000 है तो मुझे इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए. और क्या होता है कि आप इस 4,00,000 के चक्कर में इन्वेस्ट कर देते हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, रिस्क ले रहे हो अपनी इन्वेस्टमेंट पे कि यार मैं 1 साल के बाद 4,00,000 इस पे और कमाऊंगा, ये 14,00,000 हो जाएंगे, ठीक है. तो आपने उस पे रिस्क लिया. हो सकता है कि कंपनी ये सारे के सारा पैसा आपका डूब भी जाए, खत्म हो जाए. तो इस चीज को हम बियर करने को जो कहते हैं रिस्क, इसके बदले हमें रिटर्न मिलता है. और जितना ज्यादा हम रिस्क लेते हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, ठीक है. तो ये तो थोड़ा सा रिस्क को हो गया, हमने डिफाइन कर लिया कि रिस्क किसको कहते हैं. और ये रिस्क होता कहाँ है, स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, जहां पे आपको पैसा डबल करना होता है, अपना ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करनी होती है. अगर आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा देते हो, फिक्स डिपॉजिट, जिस पे आपको 14% इंटरेस्ट रेट मिलेगा या 10% मिलेगा, चलो मान लेते हैं 10% आपको मिलेगा, लेकिन उसमें 0% इंटरेस्ट रेट है, कोई आपको पैसा आपका जाया नहीं होगा, आपको 1 साल के बाद 10% अपनी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो उसमें 0% है. और इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है जब आप रिस्क लेते हो, लेकिन फिर क्या है कि आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा बियर करना पड़ता है कि इन्वेस्टमेंट खत्म भी हो सकती है. क्लियर हो गया. उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क प्रेफरेंसेस की. रिस्क प्रेफरेंसेस किसको कहते हैं, हम बात करेंगे इन्वेस्टर के एटीट्यूड को. इन्वेस्टर का एटीट्यूड क्या है अबाउट द रिस्क, 3 तरह के होते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं, रिस्क न्यूट्रल होते हैं और रिस्क सीकिंग होते हैं, ठीक है. एक ऐसे पर्सन होते हैं, अब सबसे पहले बात करेंगे रिस्क एवर्स. रिस्क अवर्स वो लोग होते हैं, ऐसा इन्वेस्टर होता है जो ये चाहता है कि उसको लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट हो. मतलब एक फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसमें क्या होता है कि एक जगह आपने इन्वेस्ट किया, दो आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों का सेम रिटर्न मिल रहा है, लेकिन एक में रिस्क ज़्यादा है और एक में कम है, लेकिन रिटर्न सेम है. तो वो इन्वेस्टर जो रिस्क अवर्स होंगे ये क्या करेंगे, लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जहाँ पर उनको रिटर्न तो ज़्यादा मिल रहा हो लेकिन रिस्क बहुत कम हो. इसको हम क्या कहेंगे, रिस्क अवर्सिव. पढ़ लेते हैं. इन्वेस्टर वुड रिक्वायर एन इंक्रीज रिटर्न आर कंपनसेशन फॉर एन इंक्रीज इन रिस्क, कि अगर उनका रिस्क बढ़ेगा तो उनको चाहिए कि रिटर्न भी उनका ज़्यादा होना चाहिए, ये चाहते हैं. फिर प्रेफर लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, किसको प्रेफर करते हैं, लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट को. कीप इन माइंड दैट के रिस्क अवर्सिव लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करेंगे. इन्वेस्टर विल नॉट मेक द रिस्कियर इन्वेस्टमेंट अनलेस इट ऑफर्ड हाई रिटर्न, जब तक उसको हाई रिटर्न नहीं मिलेगा ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. ये चाहते हैं कि लो रिस्क मिले, अदरवाइज हमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिले तब हम इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है. तो ओवरऑल हम बात करें तो ये लेस रिस्क प्रेफरेंस होती है इनकी, एक हो गया. फिर है हमारे पास रिस्क न्यूट्रल.
रिस्क न्यूट्रल ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार अगर हम रिस्क ले रहे हैं हमें सिर्फ रिटर्न्स है मतलब है, रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए चाहे उसमें रिस्क बेशक ज़्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, रिस्क न्यूट्रल कहते हैं। ओके, चूज इन्वेस्टमेंट सोलली बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न, रिटर्न की बेस पे ही इन्वेस्टमेंट को चूज करते हैं, ये नहीं देखते कि इसमें रिस्क कितना है, रिस्क जितना मर्जी ज्यादा हो लेकिन उनको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये रिस्क को इस तरह के ये पर्सन होते हैं, इनका एटीट्यूड टूवर्ड रिस्क इस तरह का होता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है रिस्क सीकिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है कि रिस्क सीकर्स हैं, रिस्क लेते हैं, लेकिन किस तरह का रिस्क लेते हैं, इस तरह का रिस्क लेते हैं इसको आप ये कह सकते हैं कि ये गैम्बलिंग करते हैं। ठीक है, या कैसीनो के अंदर पैसा लगाते हैं, लॉटरी टिकट्स, आपको बात समझ आ रही है, लॉटरी टिकट्स में क्या होता है कि आपकी लॉटरी लग गई तो बहुत ज्यादा पैसा, अदरवाइज सारे का सारा खत्म, कैसीनो के अंदर भी। और एवरेज पीपल जो हैं वो कैसीनो के अंदर लूज करते हैं, अपने पैसे को जाया करते हैं, और वहां से गवर्नमेंट और दीगर जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा वहां से अर्निंग कर रहे होते हैं, लेकिन एवरेज पीपल वहां पर लूज करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, ये फिर भी पैसा लॉटरी खरीदते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, रिस्क बहुत ज्यादा लेते हैं, रिस्क सीकर होते हैं, इनको रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, लेकिन ये रिस्क लेते हैं। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, प्रेफर इन्वेस्टमेंट विद हायर रिस्क, जिसका रिस्क ज़्यादा होगा उसको प्रेफर करेंगे, जिसके मैंने आपको एग्जांपल की लॉटरी की, इवन इफ़ दे हैव लोअर रिटर्न, अगर उसका रिटर्न लो भी मिल रहा है, उनको आदत भी होती है, ठीक है, तो वो इस वजह से भी वहाँ पे जाते हैं कि रिस्क लेते हैं, अपनी किस्मत को आजमाते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वो अपने अमाउंट को लूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है नेगेटिव रिटर्न, इसका रिटर्न नेगेटिव होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लूज हो जाती है तो आपका रिटर्न भी नेगेटिव होता है, क्योंकि गैम्बलिंग कर रहे हैं, लॉटरी बहुत कम होती है, एवरेज जो है वो लूज करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इसका रिटर्न जो है वो नेगेटिव होता है। ये हमने रिस्क की बात की कि रिस्क की तरफ उनका बिहेवियर कैसा होता है, रिस्क प्रेफरेंसेस की। अब ये हैं काइंड्स ऑफ रिटर्न, अभी मैंने आपको बहुत सारी इसकी टाइप्स पढ़ानी है रिस्क की, जो इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ये दो जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। ये सिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है कि जिसको हम कम नहीं कर सकते, ठीक है, मिनिमाइज या एलिमिनेट नहीं कर सकते, और ये ऐसा होता है अनसिस्टमैटिक जिसको कम किया जा सकता है, उसको एलिमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ये थोड़े से लेंथी थे, मीन्स टू से दैट इसका डिफरेंस आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी था, इसी से ही आगे बाकी टाइप्स निकलती हैं, तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। दो टाइप्स होती हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक, ये पॉइंट्स हैं, ये उसका मीनिंग, मीनिंग क्या होगा सिस्टमैटिक का, कंट्रोलेबल, इस रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनकंट्रोलेबल सॉरी, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, कंट्रोल कैसे नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन आ गई, ठीक है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई तूफान आ गया, आपके सारे का सारा जो पूरी मार्केट को उसने इम्पैक्ट किया, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अनसिस्टमैटिक कंट्रोलेबल होता है, क्योंकि ये बेसिकली इंटरनल मैटर्स पर डिपेंड करता है, कंपनी के अपने मामलों पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल स्ट्राइक होगी, उसको कंट्रोल कर लोगे, प्राइस हाई है तो उसको कंट्रोल कर लोगे, लेबर अगर बाहर जा रही है छोड़ के कंपनी को, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, समझ आ रही बात। फिर है नेचर, नेचर किस तरह की होती है, ये होता है, ये बेसिकली होता है नॉन डाइवर्सिफाइएबल। ठीक है, इसकी नेचर कैसी है, नॉन डाइवर्सिफाइएबल, सिस्टमैटिक रिस्क की। अनसिस्टमैटिक की क्या है, डाइवर्सिफाइएबल, क्या मतलब है, मैंने पहले बता दिया, नॉन डाइवर्सिफाई इसका दूसरा नेम, अगर सिस्टमैटिक अगर आपको आ जाए लिखा हुआ एग्जाम के अंदर कि सिस्टमैटिक इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन डाइवर्सिफाइएबल, कि ये डाइवर्सिफाइएबल नहीं होता, इसको डाइवर्सिफाई नहीं किया जा सकता, इसको कम नहीं किया जा सकता, इसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अनसिस्टमैटिक क्या होता है, डाइवर्सिफाइएबल होता है, इसको एलिमिनेट भी, खत्म भी किया जा सकता है, इसको मिनिमाइज भी किया जा सकता है, अच्छी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करके, डाइवर्सिफिकेशन करके। डाइवर्सिफाई कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट सिक्योरिटीज उसमें ऐड करना, कम रिस्क की हाई रिस्क की, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाए उसके अंदर और रिस्क कम से कम हो। ठीक है, इसको नहीं कर सकते, इन्फ्लेशन है तो वो सब पे ही रहेगी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात हो रही है। फिर है हमारे पास फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या मैक्रो, बड़े इकोनॉमी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन उस पर ये बेस्ड करते हैं। और अनसिस्टमैटिक माइक्रो फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर जो कंपनी के अपने होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी लेबर का या हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो ये वाले स्ट्राइक्स हैं। फिर हमारे पास है मेजरमेंट, मेजरमेंट क्या कहती है, इसको कैसा मेजर किया जा सकता है, बीटा के साथ, स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, मेजरमेंट टूल्स हैं इसके। और अनसिस्टमैटिक को कैसे मेजर करते हैं, टोटल रिस्क में से अगर हम अपना सिस्टमैटिक रिस्क माइनस कर दें तो आपके पास क्या बच जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क।
टोटल रिस्क में से अपना सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस कर दें तो आपके पास अनसिस्टमैटिक रिस्क आ जाता है। इसके लिए कोई प्रॉपर टूल्स या मेजरमेंट नहीं होती कि उसको इस टूल्स के साथ मेजर किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन या बीटा के साथ, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा। उसके प्रॉपर क्वेश्चन भी करवाऊंगा स्टैंडर्ड डेविएशन के और बीटा के भी, फिर उसके बाद हम कैपम को पढ़ेंगे। अब इंपैक्ट की बात करें, इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट होता है, ये सर्टन ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन की लेबर का मसला हो किसी भी चीज का तो सर्टन ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है, ये ओवरऑल इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है, जितनी भी इंडस्ट्री है पूरी की पूरी उसकी लपेट में आ जाती है, ठीक है। फिर है हमारे पास एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के अंदर मैंने लिख दिया है इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो सबको इंपैक्ट कर रही है, और अनसिस्टमैटिक के अंदर हाई ऑपरेशनल कॉस्ट या हाई लेबर टर्नओवर, इसको कम टर्नओवर कहते हैं कि जो कंपनी में पर्सन काम करते हैं वो छोड़ के ज़्यादा छोड़ के जाना शुरू हो गए, तो उसको कम किया जा सकता है, ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करके। फिर हमारे पास टाइप्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि इसकी हमने और मजीद टाइप्स पढ़नी है रिस्क की, तो वो इसमें मैंने एक्सप्लेन किया, इंटरेस्ट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ठीक है, अनसिस्टमैटिक की फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क, देखें टाइप्स भी ये हैं, तो इन सारी टाइप्स को जो है वो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स इसकी क्या हैं रिस्क की। ये आपको काइंड्स की समझ आ गई होगी, अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक हम देख चुके हैं, उसी को फर्दर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमारे पास ये देखना चाह रहे हैं कि रिस्क कितनी तरह के हो सकते हैं, किस किस तरह का रिस्क आ सकता है, तो सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप पिक करेंगे, उसके बाद इसको लिखिएगा। डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं ऐसा रिस्क, आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी डिफॉल्ट कर जाएगी, ये छोड़ जाएगी, फिर भी आप पैसा लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस को जो रिस्क आप बर्दाश्त करते हैं, रिस्क आप बियर करते हैं, उसको आप कहते हैं कि डिफॉल्ट रिस्क। कंपनी के डिफॉल्ट होने के जब चांसेस हों और उस वक्त आपको जो रिस्क बर्दाश्त करते हैं वो डिफॉल्ट रिस्क होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट मैंने लिखा है कंपनी डिफॉल्टेड, कंपनी डिफॉल्ट कर जाए उसको बर्दाश्त करना आपका डिफॉल्ट रिस्क होगा। फॉर एग्जाम्पल इंपीरियल लिमिटेड और बीको स्टील, ये दो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया जो कि डिफॉल्ट हो गई, कंपनी फ्रॉड कर गई, धोखा कर गई आपके साथ, भाग गई, बंद कर गई, अपने एसेट्स को क्लोज करके चली गई, अपने सब कुछ को ख़त्म करके चली गई और आपका पैसा लेके सारे का सारा फारिग, तो आपको लालच दिया कि हम आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, लेकिन क्या हुआ कि कंपनी ही बंद कर दी, ख़त्म कर दिया सारा कुछ, उस रिस्क को क्या कहते हैं कि डिफॉल्ट रिस्क है हमारे पास, क्लियर है। आप अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जांपल्स ले सकते हैं, जिस भी कंट्री में आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंपनी जो भी डिफॉल्ट हो गई हो उस कंट्री में आप उसको ले सकते हैं। बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस रिस्क किसको कहते हैं, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने लगते हैं, कोई भी पैसा लगाना लगते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको कुछ रिस्क होते हैं, वो कौन से होते हैं, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट तंग ना करे, गवर्नमेंट ये रेगुलेशंस लगा देगी, ठीक है, एक रिस्क आपके पास ये आ गया। फिर ओवरऑल इकोनॉमी रिस्क कि इकोनॉमी डाउन हो रही है, अप हो रही है, आपको ये भी रिस्क होता है बिजनेस रिस्क। फिर हमारे पास है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, बाय फायर हो सकती हैं, बाय थेफ्ट हो सकती हैं, स्टोल हो सकती हैं, मतलब डिफरेंट आपको जो है वो कैटेगरीज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये बिजनेस रिस्क है। बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त जो हमारे पास रिस्क होते हैं, ठीक है, लेकिन हम रिस्क लेते हैं तो फिर ही हमें रिटर्न मिलता है। फिर हमारे पास है डिक्रीज मार्केट शेयर, हाँ ये भी हो सकता है कि आप कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो डिक्रीज हो जाए। कैसे डिक्रीज होगा, अगर कोई उस कंपनी के अबाउट में नेगेटिव न्यूज आ गई तो क्या होगा, कंपनी का शेयर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, अगर पॉजिटिव न्यूज आ गई तो कंपनी का शेयर अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मे बी पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल कि PIA जो है हमारा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो है, उसमें क्या हुआ कि जिसके जहाज में कोई प्रॉब्लम आ गई, टेक्निकी प्रॉब्लम आ गई, तो लोगों ने उसमें पैसा लगाना ख़त्म कर दिया, एक नेगेटिव न्यूज़ आई कि इसके प्रॉब्लम है, ये कंपनी ख़त्म होने वाली है, बंद होने वाली, लोगों ने पैसा लगाना ख़त्म कर दिया, उसके शेयर्स मार्केट शेयर डिक्रीज हो गए। इसी तरह मारुति कंपनी के अंदर, मारुति गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम आई थी, तो उसके जब भी जैसे ही वो न्यूज़ आई मार्केट के अंदर, वो जो उसके शेयर थे वो डाउन हो गए। तो ये क्या होता है कि जो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो उससे शेयर्स अप हो जाते हैं, और अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उससे जो है वो डाउन हो जाते हैं उसकी वैल्यू, गुडविल, ठीक है। तो चलें, ये बिजनेस रिस्क भी हमारा कंप्लीट हो गया, होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर है हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क, या फिर इसको अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, आपको दो तरह से बातें आ सकती हैं, या वो पूछ सकता है डेट एंड इक्विटी रिस्क या फिर फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो फाइनेंशियल और डेट इक्विटी रिस्क आर द सेम थिंग्स। होता क्या है,
जब आपके एसेट्स किसी भी कंपनी के एसेट्स जब डेट से फाइनेंस्ड होते हैं, मतलब कर्जे से फाइनेंस होते हैं, लोन से फाइनेंस्ड होते हैं, एज कम्पेयर टू इक्विटी, अपने पैसे से ज़्यादा लोन लेके फाइनेंस किए हों, उस कंपनी का रिटर्न कम होता है, वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है उसके अंदर, लोग डरते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है कि यार ये पैसा ख़त्म हो जाएगा, डूब जाएगा, ये लोग क्रेडिटर्स जो हैं वो ये भाग जाएंगे, तो ये जो जितने भी डर होते हैं ये सब को हम क्या कहते हैं, रिस्क कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं, फाइनेंशियल रिस्क या फिर डेट इक्विटी रिस्क कहते हैं। डेट पोर्शन इज हायर मोर रिस्की, अगर डेट का पोर्शन ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा होगा, अगर इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है तो लेस रिस्क होगा। इक्विटी कहते हैं जो आपका अपना पैसा है, शेयर्स हैं बेसिकली, ठीक है, इस रिस्क को हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल रिस्क या फिर डेट इक्विटी रिस्क कहते हैं। फिर हमारे पास है परचेजिंग पावर रिस्क या फिर इन्फ्लेशन रिस्क। अच्छा, अब दो नाम है मैंने आपको बताया, या तो इन्फ्लेशन रिस्क भी कहते हैं या फिर परचेजिंग पावर रिस्क। होता क्या है परचेजिंग पावर रिस्क, ये होता है कि आप वन आपके पास है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रुपीस आपके पास हैं, और आप क्या करते हो कि आपको इस पे जो है वो इंटरेस्ट मिलता है वो 8% है, 8% आपको इस पे इंटरेस्ट मिलता है। अब आप 8% इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन होता क्या है कि एक साल के बाद आपको ये कितना मिलना है, 8% इंटरेस्ट, लेकिन एक साल के बाद इन्फ्लेशन रेट कितना हो जाता है, 10%, तो क्या हुआ, आपको नुकसान होगा, उल्टा आप लॉस में जाओगे, प्रॉफिट की बजाय आप लॉस में जाओगे, तो इस रिस्क को क्या बोलेंगे, परचेजिंग पावर रिस्क या फिर इन्फ्लेशन रिस्क। कि इन्फ्लेशन बढ़ गई है, चीज़ों की प्राइसेस ही बढ़ गई हैं, आपके उस पैसे की वैल्यू, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी पढ़ा कि आपके पैसे की वैल्यू ही कम रह गई है एक साल के बाद, आपको उसके 8% भी आपको कम मिलेंगे, 8% पे भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि इन्फ्लेशन ही 10% हो चुकी है, ठीक है। तो इस रिस्क को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन रिस्क या फिर परचेजिंग पावर रिस्क। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन चीज़ों को देख के फिर ही हम इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट रेट रिस्क, आर द सेम थिंग्स, इंटरेस्ट रेट रिस्क और परचेजिंग पावर रिस्क ये सेम है। क्यों सेम है, इस वजह से सेम है कि इंटरेस्ट रेट अगर आपको 10 लाख की मैंने बात की, 10 लाख रुपए पे आपको 8% अगर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और इन्फ्लेशन हो जाए 10%, ठीक है, ये है इन्फ्लेशन हमारी 10% और ये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या होगा कि आपको तो पॉजिटिव की बजाय आपको नेगेटिव में चले जाओगे, आपको नुकसान होगा, ठीक है। तो इस तरह का जो रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट फ्लक्चुएट करता है जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट जो आपको बैंक दे रहा है या कहीं से मिल रहा है वो कम मिल रहा है, तो इसका मतलब आपको एक साल बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इस रिस्क को जो बर्दाश्त करते हैं उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क हमारे पास। फिर है हमारे पास मार्केट रिस्क, वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट रिस्क क्या होता है कि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो आपके शेयर्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं, आपको पैसा ज़्यादा मिलता है, और अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो क्या होता है मार्केट में शेयर की प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो जाती हैं। तो किस तरह से काम करता है ये, बेसिकली मार्केट फोर्सेस होती हैं, मैंने आपको पहले बताया मार्केट फोर्सेस होती हैं डिमांड एंड सप्लाई, उसके साथ ये मूव करता है डिमांड और सप्लाई के साथ। तो अगर आपके पास पॉजिटिव न्यूज, अच्छा इसको ना हम देखें इनसाइडर ट्रेडिंग, आपने एक वर्ड सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, किसी को पहले ही पता चल गया कि यार मार्केट में ये न्यूज़ आने वाली है तो वो क्या करते हैं उस कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेता है, ठीक है, तो जैसी न्यूज़ आती है उसके शेयर्स आप होते हैं तो उसको फायदा हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग, कि आप अंदर ही अंदर कोई ना कोई ऐसी गेम चला लेते हो जिससे आपको ज़्यादा फायदा होता है, लेकिन ओवरऑल क्या होता है कि जिन लोगों को नहीं पता होता वो अपने पैसे को नुकसान कर लेते हैं, जिनको पता नहीं है मार्केट में कौन सी न्यूज़ आने वाली है। तो कोई भी न्यूज़ जब भी मार्केट में आती है तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ता है और आपको इसका रिस्क बर्दाश्त करना पड़ता है, इसी रिस्क को हम क्या कहते हैं मार्केट रिस्क है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी किसको कहते हैं, जब आप अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, अपने एसेट्स को कैश में इजीली कन्वर्ट कर लेते हो उसकी वैल्यू को लूज किए बगैर, लिक्विडिटी होती है। कुछ आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स इस तरह के हैं कि जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इस तरह की हैं जो कि कैश में कन्वर्ट नहीं होती, उसका ना परचेजर अवेलेबल है ना सेलर अवेलेबल है, तो उसको उस तरह का जो रिस्क बर्दाश्त करते हैं उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, जो चीज़ आपके एसेट्स हैं उस वो मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो मार्केटेबिलिटी नहीं है, लोग उसको खरीदते ही नहीं है, बाय ही नहीं करते, ना उसका सेलर अवेलेबल है। फिर कैन नॉट बी क्विकली बॉट और सोल्ड, ना उसको जल्दी बेचा जा सकता है और ना उसको खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लिक्विडिटी रिस्क हुआ, इस रिस्क को क्या कहेंगे लिक्विडिटी रिस्क, जिसकी मार्केटेबिलिटी नहीं है, मार्केटेबिलिटी उसकी कम है। कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कैश विदाउट लॉस, और आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एप्पल का फोन है,
और एक आपके पास एंड्रॉयड है। अब एप्पल का मार्केट, अब जिस भी मार्केट में लेके जाते हो एप्पल की, तो क्या होता है कि वहां पे लोग उसके सेलर भी अवेलेबल हैं, बायर भी अवेलेबल हैं, लोग उसको लाइक करते हैं, उस ब्रांड को लाइक करते हैं, एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड के बहुत ज्यादा मोबाइल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं और नए नए वेरियंट उसके आ रहे हैं। तो क्या होता है कि उसकी पिछले वाले की वैल्यू जो है बहुत जल्दी डिक्रीज हो रही है, तो उसके ना सेलर अवेलेबल है और ना बायर उसके अवेलेबल है, ठीक है, तो लोग उसको जल्दी खरीदते नहीं है। तो आईफोन का आप जब भी लेके जाते हैं तो उसके जो बायर वहां पे अवेलेबल होते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है, आप कहीं भी इसको किसी और एग्जांपल को भी यहाँ पे कोट कर सकते हैं समझाने के लिए आपको, ठीक है। और वो अपना पैसा भी कम लूज करता है, जबकि एंड्रॉयड फोन जो है अपना पैसा जल्दी लूज कर देते हैं। फिर हमारे पास है कंट्री रिस्क या फिर पॉलिटिकल रिस्क। कंट्री रिस्क लिखा आ जाए या पॉलिटिकल आर द सेम थिंग, क्योंकि कंट्री के हालात क्या होते हैं, पॉलिटिकल की वजह से चलते हैं। अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका अच्छा है तो आपके कंट्री के हालात भी अच्छे रहेंगे। मेजर चेंज इन पॉलिटिकल आर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर नई हुकूमत आई, उसने अपनी पॉलिसीज को लगा दिया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया, इंटरेस्ट रेट में छेड़छाड़ कर दी, तो क्या होगा कि वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको रिस्क बर्दाश्त करना पड़ता है कि यार नई आने वाली हुकूमत जो है वो कोई ना कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी ना ले आए कि जिससे जो है वो हमें नुकसान हो, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है ख़राब हो। फिर इट कुड डी वैल्यू योर इन्वेस्टमेंट, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को डी वैल्यू कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जब स्टेबल ना हो, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जब स्टेबल ना हो, तो आपको क्या होता है कि डी वैल्यू हो जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिस रिस्क मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज, अच्छा ये रिस्क कहाँ पे पाया जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज में, जो अभी नई नई डेवलप हो रही होती है, जहाँ का स्ट्रक्चर अभी नया नया डेवलप हो रहा होता है, उस जगह ये रिस्क ज़्यादा पाया जाता है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ये कंट्री रिस्क इतना, जो पॉलिटिकल रिस्क ये इतना नहीं होता, ठीक है। तो ये इसके बाद लास्ट हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है, आपको पता है कि जब भी कंपनी, जब भी इन्वेस्टर जो है वो अपने पैसे को किसी दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको एक रिस्क बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। इस रिस्क का मतलब क्या है, इस रिस्क का मतलब यह है कि जब भी करेंसी के अंदर फ्लक्चुएशन आएंगी, चेंज आएगा, एक्सचेंज रेट चेंज होगा, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने का जो रेट है वो जब चेंज होता है, तो उस रेट से आपको नुकसान होता है, आपको रिस्क बर्दाश्त करना पड़ता है कि यार अगर ये अप डाउन हुआ तो हमें पैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। उस रेट को हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कहते हैं, ठीक है। अब ये इसकी तीन टाइप्स होती हैं, एक होती है ट्रांजैक्शन रिस्क, फिर है ट्रांसलेशन रिस्क, और फिर है इकोनॉमी रिस्क। अच्छा, अब अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, ब्रीफली बताता हूं आपको कि ट्रांजैक्शन रिस्क क्या होता है। ट्रांजैक्शन रिस्क ये है कि आप यूएस के अंदर हैं और आप पाकिस्तान के अंदर, आपकी एक कंपनी है, आप जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, यूएस की कंपनी के साथ आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब आपने जिस डेट को ट्रांजैक्शन करनी थी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, आपने कैश ऑन डिलीवरी था, तो जैसे ही आपने पेमेंट आने वाली थी, आपकी डेट आने वाली थी, क्या हुआ कि वो जो यूएस की करेंसी है वो अप हो गई, मतलब उसकी वैल्यू जो है वो अप हो गई, ठीक है, एप्रिशिएट हुई। जैसी वैल्यू एप्रिशिएट हुई तो इसका मतलब क्या है कि आपको अब जितने पैसे पहले पे करने थे उससे ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि उस कंट्री की वैल्यू एप्रिशिएट कर जाएगी। तो इस जो रिस्क को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क कहते हैं। फिर एक हमारे पास होता है ट्रांसलेशन रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क क्या होगा कि आपकी एक पेरेंट कंपनी जो यूएस के अंदर है और एक जो उसकी सब्सिडरी है वो इंडिया के अंदर है, अब इंडिया या पाकिस्तान के अंदर है, अब दोनों जगह पे आप क्या कर रहे हो, जो यूएस के लोग होंगे, जो पाकिस्तान या इंडिया के अंदर जो कंपनी काम कर रही है, उसने क्या किया कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किस करेंसी के अंदर हैं, वो उसी करेंसी के अंदर हैं जो जिस जगह वो काम कर रही है, अगर पाकिस्तान में तो पाकिस्तान, अगर इंडिया में है तो इंडिया के अंदर, रुपीज़ के अंदर है, ठीक है। और जैसे ही वो जो यूएस की कंपनी में, पेरेंट कंपनी जो यूएस के अंदर है उसमें कन्वर्ट की जाएंगी, तो उसको लॉस हो सकता है। क्यों लॉस हो सकता है, करेंसी की वजह से लॉस हो सकता है कि यहाँ की करेंसी की वैल्यू और है, वहाँ की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए उसको लॉस बर्दाश्त करना पड़ सकता है। तो इस रिस्क को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन रिस्क, ठीक है। फिर है हमारे पास इकोनॉमी रिस्क, जो कि हमें ओवरऑल फेस करना पड़ता है, इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर जाती है, उसकी जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट कर जाती है, आए दिन ब दिन जो है वो रेट को फ्लक्चुएट कर जाना, उसका जो रिस्क बर्दाश्त करते हैं उसको हम इकोनॉमी रिस्क कहते हैं। तो दैट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। ये कुछ रिस्क हैं कंप्लीट जो हमने यहाँ पे देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको रिस्क की बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। इसके बाद हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं टूल्स ऑफ रिस्क मेजरमेंट, वो उसमें हम बीटा को देखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को देखेंगे, उसके बाद हम कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल को करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेक्चर को लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।